हिंदी साहित्य में अनेक अविस्मरणीय संपादक हुए हैं। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र से यह परंपरा शुरू होती है और जिसके सबसे बड़े कीर्ति स्तंभ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इस परंपरा में आचार्य शिवपूजन सहाय ने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया उसमें से पहली तो अद्भुत जीवंत पत्रिका है मतवाला, जो 20 के दशक में कलकत्ते से निकली थी। मतवाला उस दौर की क्रांतिकारी और साथ ही व्यंग विनोद की पत्रिका थी। ये वही पत्रिका है जिसके माध्यम से महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहली बार प्रकाश में आए। माधुरी ऐसी ही पत्रिकाओं में से है जिसमें प्रेमचंद जी जिससे जुड़े हुए थे, जो लखनऊ से निकलती थी। मतवाला के बाद बाबूजी ने लखनऊ से माधुरी के संपादन में योग दिया था। इसके अतिरिक्त लगभग 1946 या 45 में पटना से हिमालय नाम की पत्रिका निकाली थी, द्वैमासिक पुस्तकाकार पत्रिका निकली थी, और 2-3 वर्षों में उसने एक नए ढंग की साहित्यिक पत्रकारिता का प्रतिमान स्थापित किया था। बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया। अंतिम दिनों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद में जब वो काम कर रहे थे तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती थी। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा और आचार्य शिवपूजन सहाय, इन दोनों के संपादन में वर्षों तक साहित्य नाम की उच्च कोटि की त्रैमासिक पत्रिका निकलती रही। इसलिए मतवाला, माधुरी, हिमालय और साहित्य जैसी साहित्यिक पत्रिकाएं निकालकर हिंदी में उन्होंने पत्रकारिता का, विशेष रूप से साहित्यिक पत्रकारिता का एक मानदंड। बाबू शिवपूजन सहाय का बहुत गहरा संबंध प्रेमचंद से था और प्रेमचंद उन लेखकों में हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य में गांव की जिंदगी को लेकर उपन्यास लिखना शुरू किया था। बाबू शिवपूजन सहाय ने भी बहुत पहले 20 के दशक के आसपास, जब प्रेमचंद अपने उपन्यास लिख रहे थे, देहाती दुनिया नाम का उपन्यास लिखा जिसमें आरा और भोजपुर भाषी गांवों का बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण किया गया है। दुख यह है कि इसे उन्होंने आगे चालू नहीं रखा, वरना निश्चय ही देहाती दुनिया की परंपरा में वे उस प्रकार के उपन्यास लिखते जिनका विकास बिहार में आगे चलकर फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल जैसे उपन्यासों के द्वारा हुआ। हिंदी में मुख्य रूप से बाबू शिवपूजन सहाय जाने जाते हैं अपने संस्मरणों के लिए। संस्मरणों में उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है मेरा जीवन, इसके बाद वे दिन वे लोग, और तीसरी पुस्तक स्मृति शेष नाम की है। चूंकि वो इतने पुराने नए अपने समकालीन साहित्यकारों के संपर्क में आए थे और नियमित वे डायरी लिखते थे, इसलिए उनके परिचय की दुनिया बहुत व्यापक थी। शायद ही उस दौर का उनके जीवन के, यानी सन 1920 से लेकर के 1962 तक, लगभग 40 वर्षों से ऊपर तक के बीच जितने साहित्यकार हुए होंगे, और साहित्यकारों के अलावा पत्रकार हुए, राजनीतिक नेता हुए, उनके व्यक्तिगत संपर्क में थे और उन्होंने सजीव चित्र लिखे हैं, उन रेखा चित्रों में मुझे जो बहुत अच्छे लगे, एक तो जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखा है, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जिन्हें वे कलकत्ता के दिनों से ही, मतवाला के दिनों से जानते थे, और निराला जिन्हें बहुत प्यार करते थे। कायदे से उन्हें निराला के बारे में बहुत विस्तार से लिखना चाहिए था, स्वयं उन्होंने उतने विस्तार से नहीं लिखा, लेकिन प्रसाद जी वाला संस्मरण तो अद्भुत है। बहुत सी बातें हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में जो नहीं जानते
वो बाबू शिव पूजन सहाय ने लिखी है। खास तौर से बनारस में प्रसाद जी जिस तरह शिवरात्रि उनके घर के पास मनाई जाती थी, बुढ़वा मंगल होता था और बजरे का वो दृश्य, जो गाने गाए जाते थे, और स्वयं उनकी दुकान दाल मंडी के पास थी, तो 11:30-12 बजे रात तक वहाँ बैठकी होती थी, तो माँ साहित्यकार लिखते थे, उसका सजीव चित्र बाबू शिव पूजन सहाय ने खड़ा कर दिया। ये सारे संस्मरण, और इन संस्मरणों के अलावा साहित्य नाम की पत्रिका में हिंदी में एक विशेष प्रकार की विधा की, अंग्रेजी में जिसको अभिचोरी कहते हैं, श्रद्धांजलि हम हिंदी में कहते हैं, किसी व्यक्ति के साहित्यकार की मृत्यु के बाद एक ऐसा लेख जिसमें उसके जीवन का सब कुछ आ जाए और राग द्वेष से परे होकर के लिखा जाए, अंग्रेजी में इसकी एक लंबी परंपरा है। और किसी दिवंगत आदमी के बारे में एक विशेष व्यक्ति से लिखाया जाता है, हिंदी में ये नींव डाली आचार्य शिवपूजन सहाय ने। 100 से अधिक लोगों की श्रद्धांजलियाँ उन्होंने लिखी हैं, और नपी तुली जो साहित्य में प्रकाशित हुई और कुछ और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। इस ये विधा संस्मरणों से थोड़ी अलग है, लेकिन इसको एक विधा का रूप देने का कार्य आचार्य शिवपूजन सहाय ने किया था। आचार्य शिवपूजन सहाय ने हिंदी का संस्कार किया है। संस्कार करने की उनकी पद्धति और लोगों से अलग है। और लोग हिंदी का संस्कार करने के लिए संस्कृत की ओर जाते हैं, आचार्य शिवपूजन सहाय उसके संस्कार के लिए हिंदी की बोलियों की ओर जाते थे। उन बोलियों में उन्होंने से शब्द लिए जो खड़ी बोली में या संस्कृत में नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए उनकी डायरी में पढ़ते हुए मुझे एक दिन ये शब्द मिला कि महीने का अंत होते होते मैं एकदम निकौड़िया हो जाता था। अब ये निकौड़िया शब्द, कौड़ी शब्द तो सुना है हम लोगों, लेकिन निकौड़िया होना, एक भी कौड़ी न रह जाए घर में या पॉकेट में, इसके लिए और कोई शब्द हो ही नहीं सकता था, संस्कृत में मिल नहीं सकता है। ऐसे सैकड़ों शब्द उनकी रचनाओं में मिलेंगे जो उन्होंने बोलचाल से, मुख्यतः अपनी बोली भोजपुरी से लिया है। उनका ये भी कहना था कि हिंदी में बोलियों से एक और गुण लेना चाहिए, बोलियों में संज्ञा से क्रिया बनाने की क्षमता है। जैसे साबुन संज्ञा है, साब कपड़ा सबुनाया जाता है, उसी तरह से आप बात करते हैं कि जगह शब्द मिलता है बतियाते हैं, इसी तरह लात से मारने के लिए शब्द मिलता है आप लतियाते हैं, जुतियाते हैं, जूते से जुतियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, साबुन से सबुनाना, हजारों शब्द हैं जो बोलचाल में चलते हैं, गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। खड़ी बोली हिंदी के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया था कि संज्ञाओं से क्रिया बनाने की, जिसको नाम धातु कहते हैं व्याकरण में, वो लेना चाहिए। इस तरह भाषा परिष्कार में, भाषा की समृद्धि में और उसको मानक रूप देने में एक नया रास्ता उन्होंने दिखाया था, जिसको मैं सृजनात्मक या क्रिएटिव कहूँगा। इस सिलसिले में यह भी कहना चाहता हूँ कि बाबू शिवपूजन सहाय ने कुछ ऐसे काम किए हैं, संपादन के काम, ये काम इसको दाद नहीं मिलती। उदाहरण के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी, जो जेल में लिख करके लाए थे। उस आत्मकथा को वर्तमान रूप हिंदी में देने का कार्य आचार्य शिवपूजन सहाय ने किया था, संपादन करके उसकी भाषा उन्होंने इस लायक की, आज भी उसका गद्य सराहा जाता है, उसके लिए लोग पढ़ते हैं। इसी प्रकार उन्होंने प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे, हिंदी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी। प्रेमचंद का रंगभूमि नाम का उपन्यास जो चौगान हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया था, किसी ने हिंदी की, आचार्य शिवपूजन सहाय ने रंगभूमि का संपादन करके उसकी भाषा को एक परिमार्जित मानक चालू हिंदी के रूप में किया। एक दूसरा बड़ा काम है जिसको लोग कम याद करते हैं,